तो सुनो, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे किसकी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। आज इसे खत्म करते हैं। इसकी डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना मैंने कल सिखाया था आपको, साइन कैसे पुट करना। फॉर्मूला क्या था, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाय आर। इसमें सब चीज पुट करनी है विद साइन। ठीक है, और हमने बात कर ली थी दो फोकस की, फर्स्ट फोकस की और सेकंड फोकस की बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं बच्चा वो है मैग्निफिकेशन। जैसे हमने बात की थी मिरर के मैग्निफिकेशन की, वैसे ही स्फेरिकल सरफेस में कितना मैग्निफिकेशन आएगा उसकी चर्चा हम करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हेडिंग है मैग्निफिकेशन कौन सी मैग्निफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स बोल। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको, मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी। लेटरल या ट्रांसवर्स, ये मैग्निफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें, स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन के। तो बच्चा सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया हम लोगों ने, और एक हमने क्या ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। ये स्फेरिकल सरफेस है और एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हम लोगों ने, ये इसकी हाइट है मान लो, इसकी हाइट दे रखी है आपको एच नॉट, और ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस कर रखा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इसकी इमेज बनाएगा स्फेरिकल सरफेस, तो कैसे बनाएगा बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, मानते हो बच्चा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, फोकस, और एक रे मैं पास करूंगा कहां से, इसके बेसिकली होल से पास करूंगा जो ऐसे यहां से, तो ये स्ट्रेट चल जाएगी बच्चा, अनडेविएटेड जाएगी, तो यहां कहीं ऐसे मीट करेगी, तो ये जो बनेगा मेरे पास ये क्या कहलाएगी मेरे पास, इमेज कहलाएगी, इसे बोल दूं एच आई बोल दूं, और ये होगा मेरे पास ए डैश और ये होगा मेरे पास बी डैश। ठीक है बच्चा, तो मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है लेटरल या ट्रांसवर्स। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के 90 पे, प्रिंसिपल एक्सिस के 90 पे कितना मैग्निफिकेशन होगा उसे बोलते हैं लेटरल या ट्रांसवर्स। जैसे हमने पढ़ा था मिरर के लिए, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था हमने और लेटरल या ट्रांसवर्स भी पढ़ा था किसके लिए, मिरर के लिए। तो अब इसके लिए बात करते हैं, तो बहुत आसान है, ये अगर एंगल आई है मेरे पास, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास, एंगल आर होगा, मानते हो, पक्की बात है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे। अब ऑब्जेक्ट की जो दूरी यहां से पोल से, वो क्या पी है मान लो, और इसे मैं मान लूंगा यू, और ये क्या मान लूंगा बच्चा, मैं बी मान लूंगा। ठीक है, और इसकी हाइट मैंने क्या मान रखी है, एच ओ मान लिया, और इसकी हाइट क्या मान रखी है, मैंने एच आई मान रखी। ठीक है बच्चा, तो अब करना क्या है, मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है। जब भी रिफ्रैक्शन आए ना, स्नेल्स लॉ लगे लगेगा। तो सबसे पहली चीज, तो एम जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मानते हो बच्चा इस चीज को। और स्नेल्स लॉ लगा दूं, इधर मीडियम मान लेता हूं मैं म्यू वन है, इधर मान लेता हूं मीडियम क्या है मेरे पास, म्यू टू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड मेरा म्यू वन है, इधर कितना मेरे पास, म्यू टू है। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं यहां, तो आएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, मानते हो बच्चा। अब हम जानते हैं कि हमारी जो
ऑब्जेक्ट अब बहुत छोटे हैं तो रेज कैसी आएंगी, पैराक्सियल आएंगी मेरे पास, यानी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आई छोटा होगा, आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा मेरे पास, आई स्मॉल आर स्मॉल, तो आई कैन रिप्लेस साइन आई बाय टेन आई एंड साइन आर बाय टेन आर। सिंपल सी बात है, रेज हमेशा क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे हम लोग, जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे ना हम किसमें ऑप्टिक्स के अंदर, वो सब किसके लिए होते हैं, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी पैराएक्सियल रे के लिए वैलिड होते हैं। तो साइन आई बराबर टेन आर, साइन आई बराबर टेन आई और साइन आर बराबर टेन आर, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, म्यू वन टेन आई इज इक्वल टू क्या लिख दूं, म्यू टू टेन आर। ठीक है बच्चा, अब इसको नामकरण करना भूल गया मैं, इसको ए डैश था ये मेरा, ये बी था, चलो ठीक है। अब दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, इनसे आपको क्या निकालना है, साइन आई निकालना है और सॉरी टेन आई निकालना है और टेन आर निकालना है। तो टेन आई के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल यूज करूं, ये वाला ट्राइंगल यूज कर लू मैं टेन आई के लिए, तो टेन आई की वैल्यू बच्चा क्या आएगी इस ट्राइंगल को देख के, वो आता है टेन क्या होता है पी वाई बी, और आई के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये तो मेरा क्या है परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो टेन आई की बात करूं मैं तो म्यू वन तो यहां पे था ही, टेन आई आएगा मेरे पास ए बी बाय ए पी, ठीक है इज इक्वल टू म्यू टू। अब बात करनी मुझे टेन आर की, तो टेन आर के लिए ट्राइंगल मुझे देखना पड़ेगा बच्चा, वो ट्राइंगल ये वाला है, तो यहां से बच्चा टेन आर की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो क्या आ जाएगी, टेन आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो होता है पी बाई बी, पी तो क्या है मेरे पास ए डैश बी डैश बाय ए डैश पी, यहां तक कोई तकलीफ बच्चा कर लोगे यहां तक। अच्छा अब m का जो फॉर्मूला होता है बच्चा मेरे पास वो क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास एच आई बाय एच ओ, तो ये जो फंडा है मेरे पास बात करूं मैं इसकी, एच आई तो मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसे मैं पॉजिटिव मानता हूँ, नीचे जो होता है उसे मैं नेगेटिव मानता हूँ, तो अगर इसको मैं स्क्रॉल करूं नीचे तो ए बी इसी को मैं लिख रहा हूं आगे म्यू वन, ए बी को क्या लिख दूं मैं, ए बी को लिख दूं मैं एच ओ और ए पी को क्या लिख दूं मैं माइनस यू लिख दूं क्योंकि नेगेटिव है मेरे पास, और ए बी ए पी क्या है मेरे पास लेंथ है, ये लेंथ है और यू मेरा नेगेटिव है इसलिए लेंथ को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस यू लिख दिया इज इक्वल टू म्यू टू, और यहां पे क्या ए डैश बी डैश है ए डैश बी डैश है तो इसे क्या लिखू मैं, ये हाइट तो नेगेटिव आएगी मेरे पास तो क्या लिखू माइनस ऑफ एच आई लिख दू क्योंकि लेंथ तो मेरा पॉजिटिव करना है, ए डैश बी डैश तो पॉजिटिव है मेरे पास और एच आई नेगेटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है बाय ए डैश पी, ए डैश पी क्या है मेरे पास वी है और वी तो पॉजिटिव है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कोई तकलीफ बच्चा किसी को। अब इसको अरेंज कर ले हम लोग, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो एच आई बाय मुझे क्या चाहिए एच ओ चाहिए, तो क्या करूं मैं यहाँ पे म्यू वन तो यहाँ पे था ही और मेरे पास माइनस यू भी यहाँ था, वी को इधर ले गया मैं और एच ओ को इधर ले गया मैं, तो यहाँ पे मेरे पास है माइनस यू, इधर आएगा मेरे पास वी और इधर आएगा मेरे पास म्यू टू आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे माइनस एच आई बाय एच ओ आ गया, इस माइनस ने इस माइनस को मार दिया
ठीक है बच्चा। तो अब एच आई बाई एच ओ क्या है मेरे पास, एम है मेरे पास, तो एम का जो फॉर्मूला मेरे पास आ गया है वो क्या है, म्यू वन बी बाई म्यू टू वी यू। तो एम का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू वन पहले वाला का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंटू बी बाय यू इंटू म्यू टू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। यू वी पुट करने हैं विद साइन, आ रहा है समझ में, कितने लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया तो रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो भाई कितने लोगों को आ गया, स्क्रीन ऊपर करूं। इजी है, मुश्किल तो नहीं है। करण जी और ऊपर करूं, चलो देख लो करण जी, फिर मैं करता हूं नीचे। हो गया करण जी, देख लिया, फॉर्मूला देखना है स्टार्टिंग वाला। ओके स्नेल्स तो लगाया मैंने, कुछ नहीं किया, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर लगाया मैंने, और कुछ भी नहीं लगाया मैंने। और एम का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, ये तो बेसिक है हर जगह, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या किया, रेज को पैराएक्सियल माना, यानी आई छोटा है तो आर भी छोटा होगा, ठीक है। फिर साइन को कन्वर्ट कर लिया टेन में और टेन की वैल्यू पुट कर दी। बस ध्यान रखना ट्राइंगल की जो साइड होती है उनकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपको बेस्ड अपॉन की लेंथ पॉजिटिव रखनी है। तो यू का साइन जो है नेगेटिव था मेरे पास, इसलिए माइनस यू पुट कर दिया मैंने। दूसरे वाले की हाइट इमेज की वो नेगेटिव थी तो माइनस एच कर दिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ये तो बात होगी बच्चा किसकी, लेटरल की होगी मैग्निफिकेशन। वहां पे भी हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, जो लेंथ के अलॉन्ग मतलब लेटा हुआ ऑब्जेक्ट होगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट कैसे था, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के 90 पे था। ऑब्जेक्ट तो मेरे पास ऐसे भी होता ना, ऐसे लाई करने वाला भी ऑब्जेक्ट होता है मेरे पास। तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आता है। और ऐसे वाले का जो 90 पे होता है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए ट्रांसवर्स बोल दो या लेटरल बोल दो। तो एक तो पढ़ लिया हम लोगों ने क्या, ट्रांसवर्स तो पढ़ लिया है, मैग्निफिकेशन। अब आपको पढ़ना क्या है बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ना है। तो कौन मुझे सजेस्ट करेगा लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया कहां से लेना है आप लोगों को बच्चा, जो पहले मैंने निकाले थे मिरर के फॉर्मूले उसी अप्रोच से आपको निकालना है। बहुत इजी है लॉन्गिट्यूडनल वाला, 30 सेकंड दे रहा हूं, सोच सकते हो सोच लो, फिर मैं करा देता हूं। कोई सोच ही नहीं पा रहा भाई, गॉड क्या बात है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे इमेज का भी निकालने हैं, दैट्स गुड प्रतीक जी, वेरी गुड, निकाल सकते हैं वो तो, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो कि पहले वाला जो मैंने अप्रोच पाई थी आपको, दो अप्रोच पाई थी मैंने, चलो एक बच्चा होशियार है कम से कम। चलो सुनो, देखो मैंने क्या बताया था आपको पहले कि मान लो ये जो है इसका U2 मान लेता हूँ, इसका क्या मान लेता हूँ, U1 मान लेता हूँ। तो U1 की इमेज निकाल लो, मान लो V1 आया कोई, U1 पुट करके क्या आएगा, मान लो V1 आ गया, U2 पुट करके V2 आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, और इन दोनों का U1 U2 का डिफरेंस जो है मेरे पास ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी।
और हमारा एम का जो फंडा होता है बेसिकली वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। किसी को बताना चाहे कोई कैसे करते थे हम लोग उसको, वही सेम अप्रोच फॉलो करनी, कोई नई चीज नहीं है। हाँ जी सेकंड प्रतीक जी बहुत सही है। तो दूसरा बताओ, सेकंड मेथड बताओ जो हमने यूज किया था किसमें, मिरर केस में, स्फेरिकल मिरर के केस, डेरिवेटिव वाला याद नहीं क्या? चलो कराता हूँ, कोई बात। हाँ मिरर फॉर्मूला डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ मिरर तो है नहीं, यहाँ तो स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज कर लें, उसका डेरिवेटिव निकाल लें, वही करें। बिंदु जी शाबाश शाबाश बिंदु। चलो अब तो सुनो, सबसे पहली चीज फॉर्मूला लिखो, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है वो क्या आता है मेरे पास, एन टू बाय वी माइनस एन वन बाय यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाय आर। ये फॉर्मूला मेरे पास किसका, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का, मानते हो? ठीक है बच्चा, तो इसमें u भी तो वेरिएबल है, r मेरा कांस्टेंट है, n1 n2 भी मेरे कांस्टेंट है। अब क्या करूं मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड With respect to p, तो ये है क्या, n2 तो कांस्टेंट है तो n2 तो रहेगा ही, 1 by v का डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, v की पावर माइनस वन है, एक पावर आगे लेके आता था, पावर आगे लेके आता था और एक पावर घटा देता था, तो माइनस वन बाई बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस एन टू बाय बी का स्क्वायर इन टू dv आ जाएगा मेरे पास, मानते हो? dv by dt लिखता हूँ, कोई खास बात नहीं है, माइनस साइन फॉर्मूले में था यहाँ पे, ठीक है जी। और अब n1 तो एज इट इज रहेगा, और 1 by u का डेरिवेटिव जो आता है बच्चा वो आएगा माइनस 1 by u स्क्वायर इनटू dv by dt, मैं बात करूँ du by dt तो आ ही जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, u स्क्वायर is equal to n2 minus n1 by r। ये तो पूरा कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या आता है बच्चा, जीरो आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, इसको मैं इधर ले आता हूँ इस वाली साइड पे, तो क्या बनेगा, माइनस n2 by v square dv by dt is equal to n1 by u square into du by dt। ठीक है बच्चा, अब मुझे पता है डी टी डी टी को मार देना है, कट गया। एम जो था बच्चा वो था बेसिकली चेंज इन, देखो डीवी जो है, डीवी बाय डीयू जो आएगा मेरे पास, ये डीवी क्या है, हाइट ऑफ इमेज होगी मेरे पास, और डीयू जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो मुझे क्या चाहिए, डीवी बाय डीयू चाहिए, तो वो निकाल लें हम लोग, तो वो क्या आएगा बताओ, किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा तो है, क्या लिखता है रामजाने, ऊपर करना, क्या ऊपर करना, चलो मैंने ये बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए जो ऑब्जेक्ट है मान लो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, B की दूरी u1 थी, A की दूरी u2 थी, तो इस फॉर्मूले में, स्फेरिकल के फॉर्मूले में u1 पुट करके क्या निकाला, v1 पुट निकाला, u2 पुट करके v2 निकाला, इन दोनों का डिफरेंस जो आया यानी dv जो था वो मेरे पास क्या था, हाइट ऑफ इमेज थी, और du जो था मेरा क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, उन दोनों का रेशियो था मेरे पास, वो चीज मैग्निफिकेशन आई थी। ठीक है,
हाँ जी बोलो। अब सेकंड अप्रोच जो मैं बता रहा था वो डेरिवेटिव वाली अप्रोच थी। तो फॉर्मूला क्या था, एन टू बाय बी माइनस एन वन बाय यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाय आर। मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड पे। वन बाय बी का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस वन बाय बी स्क्वायर। तो मैंने माइनस वन बाय बी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन बाय यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। और राइट साइड डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा मेरे पास, जीरो आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है वहां, जबकि नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं। देखता हूँ भाई शायद मैंने गलती की कुछ, शायद गलती कर दी मैंने। अच्छा हाँ वहां पॉजिटिव रहेगा, सही। नेगेटिव ऑलरेडी था पॉजिटिव, थैंक यू बच्चा, तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा, थैंक यू। नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, थैंक यू योगिता। हाँ जी समझ गया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक बार दोबारा थोड़ा ऊपर करना, लो जी ये है कौन, डॉट डॉट है कौन, हो गया जी, नीचे कर दूं। फॉर्मूला में एम तो पॉजिटिव नहीं है, हो गया क्या तुम्हारा प्रोटेस्ट, ठीक है। अब मेरा जो आंसर आ रहा है एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वो निकालनी है, डी वी बाय डी यू निकालना है। तो डी वी तो इधर है, डी यू को इधर ले जाऊं, तो डी वी बाय डी यू, डी यू को इधर ले गया मैं, डी यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एन वन बाय एन वन इंटू बी स्क्वायर बाय एन टू बाय यू स्क्वायर। मेरा फॉर्मूला तो ये आ रहा है भाई, किसी का और आ रहा बता दो मेरे को। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ, किसी बालों को कोई तकलीफ इस फॉर्मूले में, दोनों करा दिए मैंने, लॉन्गिट्यूडनल भी करा दिया और ट्रांसवर्स भी करा दिया। चलो गुड, अब एक काम करना, तुम्हें होमवर्क क्या मान लो, तुम्हें डिराइव करना बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में रिलेशन निकालना। घर पे ट्राई करना, क्या दोनों एम आए हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल का निकाला है हमने एम, एक निकाला किसका ट्रांसवर्स का, उन दोनों में रिलेशन निकालने की कोशिश करना। ट्राई टू फाइंड रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। फॉर्मूले को यूज करें, बुद्धि लगाएं, आ जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले देखना, बड़े प्यार से आ जाएगा। हॉलीडेज नहीं हुई क्या, कल से हॉलीडे टेंशन आ लो, बस ये टॉपिक कंप्लीट करना था मुझे, फिर तुम्हारी मोजा ही मोजा, ठीक है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है वो करा देता हूँ मैं फटाफट, फिर तुम्हारी ऐश ही ऐश। सुनो एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ लो, दिमाग में आ गया है, पूछ लो कॉमन सेंस क्वेश्चन। एक ओके जी, कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछना पाप है।
पूछ लूं? चलो सुख जी हो गया। अच्छा ओके थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस क्वेश्चन है बिल्कुल, ऑल तो हम पढ़ाते हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है जी। तुम्हें खैर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक, वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिरर, उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कॉमन सेंस का। मान लो एक मिरर था, ऐसे स्फेरिकल मिरर था, इसको तोड़ दिया बीच में से, ऐसे ऐसे तोड़ दिया और डिस्प्लेस कर दिया इसको, थोड़ा मान लो यहां से थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा इससे हमने ऊपर डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, और इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। एक मिरर था, इसको दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया है और थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर वाले पोर्शन थोड़ा सा ऊपर एक्स डिस्प्लेस कर दिया, नीचे वाले को भी वाई डिस्प्लेस कर दिया। तो अब बताओ ऐसे तोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेज बढ़ेंगी घटेंगी सेम रहेंगी? मिरर को तोड़ने से क्या इमेज बढ़ जाएंगी घट जाएंगी सेम रहेंगी? एक बच्चे ने आंसर दिया है, मुझे बाकी दिया ही नहीं है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ऑल दो आर रेयर सेंस, बढ़ेंगी। अच्छा कोई कह रहा है सेम रहेंगे, कोई कहेंगे बढ़ेंगी, शायद सेम, बढ़ेगी, वेरी गुड। इसका लॉजिक मैं दे देता हूँ, ठीक है, सेम बढ़ेगी शायद सेम इंक्रीज, चलो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, चार ऑप्शन तुमने बढ़ाई दिए खुद से, ठीक है जी। तो तुम्हें लॉजिक देता हूँ कैसे तुम्हें करना है, सुनो। देखो अगर मान लो ऐसे कोई मेरे पास मिरर है, इतना पोर्शन मेरा मिरर है, अब इसको काट के, इसको काट के मान लो, इस पोर्शन काट के, मैं ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको इसको काट के मैं यहाँ ले गया ऐसे, ठीक है। अब ये पोर्शन तो गायब हो गया, ये पोर्शन है और ये पोर्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ कहीं पे भी, मान लो यहाँ रखा था, फिर तो इमेज बढ़ेंगी घटेंगी सेम रहेंगी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ ले गया मैं, ये जो पोर्शन था इसको काट के यहाँ ले गया, शिफ्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ इमेज पहला ऑप्शन बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन घटेगी, तीसरा ऑप्शन सेम, चौथा ऑप्शन नन। अनीता वसंती चंपा डॉली, ए, दोनों में के बढ़ेगी, शाबाश, सेम चंपा, वाओ। थ्री सेम डिक्रीज, सारे ऑप्शन सारी वैरायटी उपलब्ध है। चलो देखो सुनो बच्चा, लॉजिक पता है क्या, सुनो, एक तो मैंने केस ये कराया आपको, यहाँ टिक कर रहा हूँ, दूसरा केस ये कराया, तो याद रखना जब भी स्प्लिट करते हैं मिरर को ना, तो अगर उन दोनों मिरर का जो पार्ट हम तोड़े हैं उनका सेंटर सेम रहता है ना, सेंटर सेम रहे तो इमेज एक ही बनेगी, इमेज एक ही बनेगी। तो इन दोनों को मैंने स्प्लिट तो किया लेकिन ये उसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, तो ये एक ही इमेज बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। किस केस में, इस वाले केस में, और इस वाले केस में मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, वाई डिस्प्लेस कर दिया, डिफरेंट डिस्प्लेस किया, इसका मतलब क्या, ये सेम स्फीयर का पार्ट नहीं है दोनों, दोनों मिरर अब सेम स्फीयर का पार्ट, नहीं है, तो दोनों एक एक इमेज बनाएंगे। कहोगे तो इसका प्रूफ भी दे दूंगा जब हम आएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। सेम स्फीयर का पार्ट नहीं है तो दोनों एक एक इमेज बनाएंगे,
तो इसमें दो इमेज बनेगी और इसमें एक इमेज बनेगी, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। तो जब भी स्प्लिटिंग की बात करो तो देखो कि बेसिकली जो स्प्लिट कर रहे हैं हम, स्प्लिट करने के बाद दोनों मिरर सेम स्फीयर का पार्ट है जो है पहले ओरिजिनल थे, तो मेरे पास एक इमेज बनेगी, और वो सेम स्फीयर का पार्ट नहीं है तो दो इमेज बन जाएंगे, ठीक है बालको, बात चमक गई है या कुछ और बोलो तुम्हें कन्विंस करने के लिए, आया ना बोलो। बच्चे सो गए सारे, ओके, दो चार बच्चे बोलते हैं बाकी सब सो जाते हैं, सो सो सो, चल नहीं सोए, चलो ठीक। तो ये याद रखना, पता है केस बहुत सारे बनते हैं, मतलब एक को मैंने फोकस से पहले शिफ्ट कर दिया, मैंने उसे तोड़ा है इसको ना, तो इसमें पांच छह वैरायटी केस बनते हैं, जिन बच्चों को पढ़ना ना कंपटीशन के लिए, भाई जेई एडवांस का फंडा पढ़ना है उनको मैं करा सकता हूँ, अलग से इनका प्रूफ भी देता हूँ, बता देना जिनको पढ़ना हो, क्योंकि आपके देखो ये चीजें है नहीं आपके सीबीएसई के सिलेबस में, हाँ लेकिन हाँ एडवांस में पूछते हैं आपसे, जिनको पढ़ना हो क्यूरियोसिटी हो मुझसे जान सकते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े और बन जाए। चलो सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो आपको करना है। एक स्फेरिकल मिरर, मिरर बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी, रेडियस इसका फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, और क्या कर दिया मैंने, चलो दूसरा जो है एक स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला सरफेस, यहां दे रखा है मीडियम 3/2, इधर मीडियम दे रखा है 1, और ये लेंथ दे रखी है आपको 10, और आपको यहां से दूरी दे रखी है कितनी, मान लेते 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है बच्चा। तो आपको बताना है फाइनल इमेज कहां बनेगी, कल मैं कराने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन, कल हो नहीं पाया था हमसे क्योंकि तुम्हारी क्लास थी मैथ्स की, तो बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, पहले ट्राई करो, 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है उसके बाद मैं कराता हूँ। इसका रेडियस दिया नहीं मैंने, इसका रेडियस देना पड़ेगा ना स्फेरिकल सरफेस का, रेडियस मान लो 20 है,
हाँ जी, आया किसी का आंसर? लास्ट लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, मिनट खत्म हो गया तुम्हारा। चलो मैं करा रहा हूँ भाई, सबसे पहले क्या होगा बच्चा? रे ऑफ लाइट जाके टकराएगी इस इंटरफेस, जैसे बोला वैसे चैट आने लगे हैं, माइनस दो दो आंसर आ रहे हैं भाई। चलो मैंने आंसर हमारे देख लिए, शायद सही हो, देखते हैं बच्चे। चलो दो बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सुनो अब मेरे पास ये इसकी जरूरत नहीं है, तो बात करते हैं पहले क्या होगा। रिफ्रैक्शन, फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। तो इस सरफेस के लिए रे जा रही है ऐसे, तो ये डायरेक्शन तो क्या लूंगा? पॉजिटिव। तो आर की वैल्यू इसमें नेगेटिव आएगी, तो इस सरफेस के लिए आर की वैल्यू आएगी -20। यू की वैल्यू जो आएगी बच्चा वो आएगी -15, और एन वन की वैल्यू जो है बच्चा मेरे पास वो है कितनी? वन। और एन टू की वैल्यू जो है मेरे पास वो है 3/2। तो इससे आपने सॉल्व किया होगा, इससे वी कितना आया बच्चा आपका बताओ मेरे को? सॉल्व किया होगा, इतना सॉल्व कर लिया होगा बच्चा, वी की वैल्यू क्या आ रही है इससे? महक क्या आया इसका आंसर वी सॉल्व करने पे, या मैं करूं? चलो मैं ही करता हूं। इसका आंसर आया है, सबका अलग अलग आ रहा भाई, क्या चक्कर है? नौ सौ बाई 55 आया है, देखते हैं भाई, कह जाऊंगा 36 आ रहा है। सबने अलग अलग आंसर दे दो, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि क्या है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। चलो वो तो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरना ही पड़ेगा एक बार। चलो -180/11, हाँ एक ही बात है, फिर तो सही आ रहा है, फिर तो मैक और बिंदु का सेम आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा ना वो। ठीक है तो मैं मान लेता हूँ -180/11, -180/11, बिंदु और मैक का सेम आ रहा है तो मतलब सही होगा, -180/11। तो इसका मतलब क्या है बच्चा? लगभग लगभग ये 17 के आसपास हो गया मेरे पास, -17। तो इमेज जो बनेगी यहां से, पोल से कहां बन रही है? यहां बन रही है -180/11। ठीक है बच्चा, अब ये जो इमेज बनाई किसने? रिफ्रैक्शन में, स्फेरिकल सरफेस से। ये काम करेगी ऑब्जेक्ट का, किसके लिए? मिरर के लिए, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है तो अच्छा एक एक तो गड़बड़ कर दी मैंने, ये डिस्टेंस तो गलत ले लिया मैंने, डिस्टेंस तो यहां से आएगा ना, इससे डिस्टेंस आएगा ना, कि उससे। तो
ये डिस्टेंस तो आएगा मेरे पास 180/11, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ से कर रहे थे, यहां से कर रहे थे, तो डिस्टेंस इसके पोल से आएगा, तो -180/11 मतलब ये डिस्टेंस, मार्क करता हूँ फिर से, थोड़ा सी गड़बड़ होगी थी मुझसे, सुनो, डिस्टेंस जो है वो इसके पोल से आएगा, वो इसके पोल से डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 180/11। तो अब इस मिरर के पोल से जो इमेज है यानी जो ऑब्जेक्ट काम करेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, 180/11 + 10, तो ये आ गया 290/11। तो ये जो पूरी दूरी है मेरे पास, ये आ गई मेरे पास 290/11। कितनी बात पल्ले पड़ रही है आपको, 290/11 आ गया मेरे पास। यहां तक क्यों का तकलीफ बच्चा, हाँ जी बोलो, हाँ या ना फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। इस स्टेप तक कोई दिक्कत है किसी को, यस और नो? चलो सभी लोग, तो अब क्या है, अब मुझे क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला। तो मैं इसको इधर करने की कोशिश करता हूं, मिरर फॉर्मूला लगाना है मेरे को, तो लगा देते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अच्छा योगिता जी गलती की होगी आपने, पक्की बात है। तो मिरर फॉर्मूला क्या था बच्चा मेरे पास, 1/v + 1/u = 1/f। अब मुझे v तो निकालना है बच्चा, और u की वैल्यू क्या है, -200, u की वैल्यू आएगी -290/11, और f, f ये मिरर मेरा कंकेव है, तो f की वैल्यू नेगेटिव आएगी, f की वैल्यू कितनी है, -20। तो इस फॉर्मूले में u को पुट करो -290/11 और f को पुट करो -20, और v की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, सॉल्व करो फटाफट और बताओ v की वैल्यू क्या आई है। -14.5 आई है, महक जी बोल रही है -14.5 आई है। आर के नीचे आपने -15, समझ नहीं पा रहा हूँ सुख जी क्या बोल रहे हो आप। द v की वैल्यू आ रही है -580/7, रिपीट करता हूँ सुख, एक बार रुक जा, पहले सॉल्व कर लेने फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है। प्रतीक जी बोल रहे हैं v की वैल्यू आ रही है -580/7, तो मैं इनकी बात मान रहा हूँ, वैल्यू क्या आ गई, -580/7, तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मिरर के पोल से जो दूरी है इमेज, -5 बहुत दूर आ रही है यार, -580/7 कुछ यहां कहीं इमेज बन रही है, -580/7, ठीक है। तो ये इमेज बना रही है कौन, मिरर बना रही है, ठीक है। अब ये मिरर बना तो रही है, लेकिन उसे क्रॉस करते टाइम उसे फिर से स्फेरिकल सरफेस से गुजरना पड़ेगा, तो फिर से उसमें रिफ्रैक्शन होगा, मानते हो। तो अब मुझे करना क्या है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो रे यूं जा रही है, इससे रे यूं जा रही है, और ये दूरी 10 है, और वो जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए उसकी दूरी कितनी है मेरे पास, -580/7। तो इस पोल से जो दूरी होगी बच्चा वो क्या हो जाएगी, 580/7 - 10। इतनी बात सबको पल्ले पड़ती है भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि मिरर ने इमेज बनाई -580/7 पे, ठीक है, लेकिन जब वो मिरर से रे जा रही है वापस, ठीक है,
तो वो रिफ्लेक्शन होगी फिर से किस पे, स्फेरिकल सरफेस पे। स्फेरिकल सरफेस की दूरी मिरर से 10 है और जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है वो है -580/7। तो अब इस स्फेरिकल सरफेस जो दूरी होगी उसकी वो क्या होगी, -580/7 -10। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आना बोलो फटाफट। स्फेरिकल सरफेस दूरी जो आएगी वो 580/7 -10 आएगी। सबको आया? चलो अब क्या करना है, फिर से फॉर्मूला लगा दो। किसका? स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो करना क्या है सुनो, वो होता है मेरे पास N2/V -N1/U = N2 - N1/R। ये फॉर्मूला होता है ना। अब बच्चा ध्यान से देखो, इसमें साइन देखना ठीक है। अब रे जो है इसमें ऐसे देखो, ये स्फेरिकल सरफेस है और रे इधर से जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन मुझे अब पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इस केस में जो आर आएगा बच्चा पॉजिटिव आएगा। पहले मैंने आर जो लिया था बच्चा नेगेटिव लिया था, अब मेरा आर क्या आएगा, पॉजिटिव। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20 दे रखी है। पहले वाले केस में मैंने आर को नेगेटिव लिया था, देखो जब रे जा रही थी इधर से इधर जा रही थी तो आर को मैंने नेगेटिव लिया था। अब रे जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है, इसका मतलब आर तो क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, यानी क्या आ गया +20। और जो मेरा यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो यू इस तरफ है और पोल से डिस्टेंस नाप रहे यू, तो बेसिकली वो डिस्टेंस कितना है 580/7 - 10। ये मेरा यू है, यानी बात करूं मैं तो क्या आएगा 510/7 आ जाएगा, 510/7। तो आपको इस फॉर्मूले में पुट क्या करना है, यू की तो वैल्यू क्या आएगी 510/7 पुट करनी है, आर की वैल्यू 20 पुट करनी है। अब एन वन एन टू क्या होगा बच्चा, इधर वाला मीडियम मेरा क्या था 3/2 था, इधर वाला मीडियम इधर था 1 था, तो रे जा किधर से रही है, इधर से रही है, तो एन वन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3/2 और एन टू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 आएगी। तो एन वन पता है, एन टू पता है, आर पता है, यू पता है, बी निकालना है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बी बताओ सब लोग। है गंदगी मानता हूं मैं, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या आया बच्चा वी, फाइनल वी जो आ रहा है क्या आ रहा है? बोलो भाई, फाइनल आंसर -145 आ रहा है। कहां से -145? मिरर से या स्फेरिकल सरफेस? हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 11:20। मैं किया नहीं, मैं मार्गो अच्छा सॉरी भाई सॉरी। हाँ बोल। अरे कोई बात नहीं, मैं बैच दे रहा हूँ बाद। चलो जी, प्रतीक जी बोल रहे हैं मिरर से आ रहा है 125।
ठीक है जी, इनकी बात मान लेता हूँ तो फाइनल आंसर मेरा तो आपसे प्रतीक की बात मान लूँ तो मैं -125, -144। तो वी की वैल्यू क्या आएगी? -145 फ्रॉम मिरर। कितने लोगों मैच कर रही है? अरे आंसर तो दो पापी हो, कुछ भी जो भी आ रहा है पढ़ाओ से आंसर ही आ रहा है। बंद तो नहीं हुआ सिस्टम सारा? सीमा, बिंदु, महक, नहीं हो रहा सर मैच। क्या रहा है बिंदु जी आपका? जरूरी नहीं प्रतीक ने सही किया हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, बट प्रतीक अच्छा बच्चा है। नो मैच, ओके कोई बात, तुम्हारा आंसर बता दो। आंसर क्या रहा है? अच्छा -680/3 आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, देखो आंसर वेरीफाई करना, प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको? गंदगी कैलकुलेशन है, मैं अच्छी कैलकुलेशन वाला सवाल बनाऊंगा, ठीक है? इसमें बहुत गंदगी फैल गई थोड़ी सी, ठीक है? गंदी कैलकुलेशन आई है, बच्चे डर रहे हैं कैलकुलेशन करने से। कंसेप्ट समझ में आ गया ना बच्चा? पहले रिफ्लेक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस से, वो इमेज बनाएगा, वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए? मिरर के लिए। फिर मिरर इमेज बनाएगा, जो मिरर इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए? स्फेरिकल सरफेस के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट हुआ कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा मेरे पास। तो जो फाइनल इमेज बनाएगा कौन बनाएगा? स्फेरिकल सरफेस बनाएगा। तो तीन प्रोसेस में काम कर लो। ये वैल्यू थोड़ी गंदी थी मैं मानता हूँ, बट ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट सबका क्लियर है बच्चा? कंसेप्ट समझ में आया बच्चा सबको? हाँ या ना? कोई ऐसा महान व्यक्ति समझ में ना आया हो कंसेप्ट? चलो ठीक है, फिर इतना ही करना है बच्चा हमें, ठीक है? अब इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको ना शीट दूंगा ऑप्टिक्स की, ठीक है जी? मैंने थ्योरी वाली शीट तो बच्चों को दे दी है, क्वेश्चन वाली शीट भी दे दूंगा आपको। तो जितना मैंने कराया है स्फेरिकल सरफेस तक का, उतने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब सुन लो होमवर्क क्या आप लोगों का। होमवर्क ये है बच्चा, जितने टॉपिक हमने किए हैं अब तक, एक तो इलेक्ट्रो किया हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल कर चुके हम लोग, कैपेसिटेंस स्टार्ट हो गया था और साथ में सीरीज पैरेलल हमने किया था। तो इतनों का, इतने पोर्शन का मुझे एसएल अरोड़ा के सारे क्वेश्चन जो उसमें सॉल्व हैं सारे वो करने। सॉल्व में जो बेसिकली लिखा हो सीबीएसई, जिसपे लिखा हो, जिसपे लेबल कर रखा हो सीबीएसई या एनसीईआरटी, ये पूरे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे करने हैं इसके, और एनसीईआरटी सेक्शन पूरा, ये सब कंप्लीट चाहिए मुझे इसका। और ऑप्टिक्स के मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है? ठीक है जी, जो चैप्टर हमारे हो चुके हैं उनके एसएल अरोड़ा के सारे सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है जी? सीबीएस पे सीबीएसई मार्क दो या एनसीईआरटी मार्क दो, वो करने हैं आपको। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज होती है, बेसिकली पीछे वाली एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, हॉट
जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं आपको, ठीक है? ये मुझे कंप्लीट चाहिए, जब मैं जो बच्चा सबमिट करेगा ना सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखे हुए उसी को आगे पढ़ाऊंगा, अदर पढ़ाऊंगा नहीं आगे, ठीक है जी? ये बात याद रख लेना, ठीक है जी? क्लियर है क्या होमवर्क है? हाँ जी, सबको क्लियर है क्या करना है आपको छुट्टियों में? यस और नो? ठीक है बच्चा, मुझे डन चाहिए, कॉपी बना लेना सारी, ठीक है? ढंग से चलो, नमस्कार, मिलते हैं अगली बार। जिनको कोई डाउट हो वो मुझे बोल सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है? कल क्लास नहीं है बच्चा, अब ऑफ है, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चा।